टीकमगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पठा में पारिवारिक विवाद के चलते पिता और पुत्र में झगड़ा हो गया। झगड़े में पुत्र ने हावड़ा से पिता पर वार करके निर्मम हत्या कर दी, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज उसे न्यायालय में पेश किया गया था। टीकमगढ़ शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पठा में 7 फरवरी को पारिवारिक विवाद के चलते पूर्व सरपंच जयप्रकाश और उसके पुत्र राकेश राय के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर राकेश राय ने अपने ही पिता जयप्रकाश के ऊपर आंगन में रखे एक थावे से वार कर दिया, जिसमें गहरी चोट लगने से पूर्व सरपंच जयप्रकाश राय की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक का पंचनामा बनाकर जिला चिकित्सालय भेजा गया और उसके बाद उक्त आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। करीब 7 बजे करीब हमारे पास पॉइंट आया था पुलिस कंट्रोल रूम में कि पठा गांव जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र में लगता है, वहां पे किसी वृद्ध व्यक्ति की उसकी पुत्र ने धारदार से फावड़े और नेती से हमला करके हत्या कर दी। उस तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पे जयप्रकाश राय जो कि 70 वर्षीय हैं, उनकी खून से लथपथ डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। जब तस्दीक की गई तो ये सत्य सामने निकल के आया कि जयप्रकाश राय का उनके पुत्र जिसका नाम दीपू राय है, उससे शाम के टाइम पे मुवाद हो गया था, जिसमें मुवाद के बाद जो उनका पुत्र है दीपू राय, वो इतना आक्रोशित हो गया कि सर्वप्रथम उसने अपने पिता के ऊपर फावड़े से हमला किया। वही मौके पे माँ मौजूद थी, जिसने बीच बचाव करते हुए फावड़ा छीन लिया उससे, परंतु उसका आक्रोश तब भी शांत नहीं हुआ और उसने गैती जो पास के कमरे में गैती रखी थी वो लेके आया और अपने पिता के चेहरे और सर पे ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे उनके काफी गहरे जख्म हो गए थे जयप्रकाश राय को और मौके पर ही उनकी जान खत्म हो गए। तुरंत इस घटना को कायद करने के बाद आरोपी गांव में ही लुका छुपी करता हुआ भागने के प्रयास में था, क्योंकि पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच गई थी, नाकाबंदी की गई और इसको ढूंढने के प्रयास के लिए सर्चिंग पार्टी रवाना की गई, तो ये वहीं पास के खेतों में छुपा हुआ मिल गया और उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया। घटना की वजह यह है कि जो जयप्रकाश राय है, इनका जो पुत्र है दीपक राय, ये मानसिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है, कुछ काम धंधा ज्यादा करता नहीं है, तो इसी पे मुवाद हो रहा था कि तू नकारा है, निकम्मा है। पिता के इतने बोलने पर उसको आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया दीपू राय को और उसने उस पर उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे जयप्रकाश राय की मृत्यु हुई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।